हेलो स्टूडेंट्स, होपिंग दैट यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा प्रॉब्लम है वो फिर से हमारा डिस्टेंस से, मेंसुरेशन से, थोड़ी ज्योमेट्री से मिक्स अप प्रॉब्लम्स है। इसमें देखो क्या कहते हैं, द डायमीटर ऑफ अ कार व्हील इज 42 सेंटीमीटर। हमें डायमीटर गिवन है। द नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशंस इट विल मेक इन मूविंग 132 किलोमीटर इज व्हाट। मतलब डायमीटर गिवन है, जब कोई भी कार का व्हील रोटेट करता है तो एक रोटेशन में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जितना उसका सर्कमफेरेंस है। सर्कमफेरेंस इज 2πr। ठीक है, इसी कंसेप्ट को यूज करके इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो, हमारे पास जो डायमीटर गिवन है, डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस इज 42 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रोटेशन, अगर वो एक बार रोटेट करता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो सर्कमफेरेंस होता है 2πr। दैट मींस पाई और 2 और r को एक साथ रख लो, 2r मतलब पाई इंटू, और 2r कितनी है, 42 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कितना आएगा, पाई 22/7 इंटू 42, मतलब 7 इंटू 6 में इसको ब्रेक कर लो तो 7 कैंसिल। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 132 सेंटीमीटर। ये तो आ गया कि वन रिवॉल्यूशन में, वन राउंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। हमें बताना है कि 132 किलोमीटर में कितनी बार ये रिवॉल्व हो जाएगा, कितनी बार राउंड करेगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इज 132 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 132 सेंटीमीटर। मेन प्रॉब्लम इज कि किलोमीटर और सेंटीमीटर आर टू डिफरेंट यूनिट्स, तो हमें इस यूनिट पे ध्यान देना है। सबसे पहले किलोमीटर को सेंटीमीटर में अगर हम चेंज करेंगे तो किलोमीटर से पहले मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 1000 मीटर इज 1 किलोमीटर, तो 1000 मीटर को हम 10^3 लिख सकते हैं। इसके बाद मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर इज 1 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर इज क्या, 10^2, और नीचे तो हमारे पास 132 है, तो अब ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस क्या आएगा, 10^3 एंड 10^2। 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि ऐसे कंडीशन में जब बेसेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं, मतलब 10^5 रिवॉल्यूशन अगर करेगी कार की व्हील्स तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा वो 132 किलोमीटर होगा। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, और आप कमेंट करो अपने प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम सॉल्व करेंगे और आपके वो नेक्स्ट में वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर योर सीबीएसई एग्जाम्स। थैंक यू।